आपको याद होगा मैंने जब आप लोग को सेट और रिलेशन पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि हम लोग सीरीज ऑफ चैप्टर पढ़ना है। तो मैंने आपको बताया था कि ये सब चैप्टर की खास बात ये है कि अगर आप इनका इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ लो तो अपने आप आपको बाकी सारी चीजें समझ में आएंगी। सेम गोज फॉर फंक्शन ऑल्सो, आप इसका इंट्रो अच्छे से समझेंगे आपको आधे से ज्यादा चैप्टर यही समझना है। ठीक है, फंक्शन मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था जब मैं ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था आप लोग को, तब याद है आप लोग फंक्शन हम लोग ने पढ़े थे। फंक्शन किसको बोलते हैं, जब एक इनपुट रखने पर एक आउटपुट मिले उसको हम लोग क्या बोलते हैं फंक्शन। एक इनपुट रखने पर एक आउटपुट मिले इसको हम लोग क्या बोलते हैं फंक्शन। सभी लोग यहां पे देखेंगे ध्यान से, जैसे मान लो ये बटन है फंक्शन, बंद नहीं कर रहा हूं, एक इनपुट एक आउटपुट, समझ में आया। ये एक एग्जांपल है, रियल लाइफ एग्जांपल है कि ये क्या है फंक्शन। ठीक है बच्चों, फंक्शन हम लोग ना इस चैप्टर के अंदर टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शन का डोमेन, फंक्शन का रेंज, फंक्शन का कोडोमेन, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ना है, समझ में आ रहा है। इसके इस चैप्टर में दो हिस्से दिए, एक हिस्से में हम लोग बात करेंगे कि फंक्शन का डोमेन कोडोमेन या रेंज वगैरह कैसे पता लगाते हैं, फंक्शंस को कैसे सॉल्व करते हैं, फंक्शंस की वैल्यूज को कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं, टाइप ऑफ फंक्शंस क्या है। सेकंड हिस्से में चैप्टर का जो सेकंड एक्सरसाइज है वहां पर ना वेरियस डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ फंक्शंस एक्सप्लेन किया, सिग्नम फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्टेप वाइज फंक्शंस, हालांकि उनकी हम लोग को जरूरत नहीं है यहाँ पर तो हम उसको ज्यादा डिटेल में नहीं लेंगे, वहां कुछ इससे कंप्लीट करेंगे और वो पार्ट जिसकी जरूरत नहीं हम लोग वहां पर नहीं जाएंगे। हम लोग यहाँ पर फर्स्ट एक्सरसाइज पर मेजोरिटी फोकस करेंगे, बट फर्स्ट एक्सरसाइज पर जाने से पहले हम लोग थोड़ा सा बात इस पे करते हैं फंक्शन पर बात। अब जरा यहाँ पर देखो बच्चों, मैंने आपको बताया कि फंक्शन क्या है, एक ऐसा सिस्टम जहां पर एक इनपुट पर आपको क्या मिले एक आउटपुट। जनरली जैसे हम लोग फंक्शन को ऐसा लिखते हैं फंक्शन ए टू बी, क्या लिखते हैं फंक्शन, से मान लो कि ए एक सेट है और बी एक सेट, 1 2 3 4 5 यहां पर ए बी सी डी ई, तो ये इससे लिंक है, 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 ए टू बी ये फंक्शन है। ठीक है चलोगे फंक्शन, ध्यान से सुनना, इसमें टाइप ऑफ फंक्शन हम लोग को पढ़ना है। तो जब ये एलिमेंट जो होते हैं ना, जो सेट ए में जो एलिमेंट होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं इसको डोमेन, यहाँ पर जितने भी वैल्यूज आप रख सकते हो उसको मैं क्या बोलूंगा डोमेन। जैसे कि एग्जांपल है मैं बोलता हूँ मेरे पास एक फंक्शन है वाई इज इक्वल टू टू एक्स, वाई इज इक्वल टू, तो बताओ यहाँ पर मैं एक्स की कौन कौन सी वैल्यूज रख सकता हूँ। सर कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं, आंसर आएगा ना वाई का। आप x को 1 रखोगे तो y 2 आएगा, आप x को 2 रखोगे तो y 4 आएगा, आप x को 3 रखोगे तो y 6 आएगा, माइनस में रखोगे तो माइनस में आएगा, हर वैल्यू पर आएगा। तो इसके लिए डोमेन क्या होगा, सारे रियल नंबर, क्या देंगे सारे। तो भैया मैं x की वैल्यू रख सकता हूँ 1 2 3 4 5 6, कुछ भी रख सकता हूँ, और 1 रखूंगा तो 2 रखूंगा तो 4, 3 रखूंगा तो 6 8 10 12, ऐसी लिंक होगा ना, आया ना बच्चा। तो ये जो सेट ऑफ वैल्यूज जो x में है इसको हम बोलते हैं डोमेन, क्या बोलते हैं इसको डोमेन। और ये जो लिंक है ना, जो आउटपुट आया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं रेंज, इसको क्या बोलते हैं आउटपुट को रेंज बोलते हैं। ध्यान से सुनना, अच्छा यहाँ 2 है, इसमें भी तो 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 हो सकता है ना, बट वो लिंक नहीं, वो किसी से लिंक नहीं। यहां पर ये जो लिंक थे वो मेरे लिए रेंज है, वो मेरे लिए क्या है और ये पूरा सेट, ये सेट y जो है ये मेरे लिए पूरा सेट, इसको हम बोलते हैं कोड होगी, क्या बोलते हैं इसको पहले भी बताया था, याद करो ट्रिग्नोमेट्री में याद है, हाँ या ना। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज, सुना, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ x हैज सम इमेज इन y, सम इमेज इन y, मतलब x के जितनी भी एलिमेंट हैं सब के सब किसी ना किसी से क्या है लिंक है, तो इसको क्या बोलते हैं फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं फंक्शन। और वो इमेज जो होगी ना वो यूनिक होनी चाहिए, ध्यान से सुनो कैसी होनी चाहिए यूनिक। अब ये यूनिक का मतलब क्या है इसको मैं समझा रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं कि एक सेट लेता हूं 1 2 3 और यहां पर मैं लेता हूं ए बी सी,
वन ए से रिलेटेड है, टू ए से रिलेटेड और थ्री बी. वन के लिए ए, टू के लिए भी ए और थ्री के लिए भी क्या है? एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट. अरे मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जरूरी नहीं कि सभी लिंक हो. ए के जितने एलिमेंट है सब लिंक है, सबके लिए एक आंसर आ रहा है क्या? ए. यूनिक इमेज मिल रही है ना सबके लिए. बट अगर मैं उल्टा करूं ऐसा, ध्यान से देखो, वन टू थ्री, ए बी सी. वन के लिए सी है, वन के लिए सी, टू के लिए ए भी है, टू के लिए बी भी है. तो ये नहीं चले क्योंकि टू के पास दो इमेज हो गई ना, यूनिक कहां हुई? टू के लिए तो ए भी और टू के लिए, तो ये यूनिक. दैट मींस दिस गिवन एग्जांपल इज नॉट अ फंक्शन. ये फंक्शन आप समझा, बोलने का मतलब है कि रॉन्ग नहीं हो सकता. रॉन्ग बना था ना, समझाने के लिए बता रहा यार, ऐसा नहीं हो सकता. रॉन्ग, अरे समझा कि नहीं? ये रॉन्ग का मतलब सर मैं बता रहा हूं कि ये दो जो है, यहां का कोई भी एलिमेंट यहां के दो एलिमेंट से लिंक नहीं हो सकता. हाँ, यहां का एक ही एलिमेंट सबसे लिंक हो सकता है. यूनिक इमेज से मतलब है यहां के जितने एलिमेंट है सबके सब क्या होने चाहिए? लिंक होने चाहिए. सबके सब कैसे होने चाहिए? लिंक होने चाहिए. बट यहाँ का किसी का दो इमेज नहीं चलेगा. अरे समझा ना? इसको बोलते हैं इमेज. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्री इमेज. इसको क्या बोलते हैं? इमेज. और इसको क्या बोलेंगे हम लोग? तो अगर सेट ए के सारे एलिमेंट के पास एक यूनिक इमेज है तो आप उसको क्या बोलेंगे? फंक्शन. उसको क्या बोलेंगे? समझ में आया? आया ना? फंक्शन क्या है? एक इनपुट रखा, एक आउटपुट मिल गया. इसको मैं क्या बोलूंगा? फंक्शन. इसको मैं क्या बोलूंगा बच्चे? फंक्शन. कोई दिक्कत? पक्का? झूठू नहीं हो रहे? एक एग्जांपल दे, सभी लोग यहां पर ध्यान से. मैं बोलता हूं कि भैया ये मेरे पास एक्स है और ये मेरे पास वाई है, ठीक है? ये मिटा दूं क्या? इसको देखो सब, यहां सभी लोग यहां पे ध्यान से. मैं बोलता हूं कि ये मेरे पास सेट x है और ये मेरे पास सेट y, ठीक है? सेट x में कुछ वैल्यूज ले लें. लेट्स से मैंने 1 लिया, मैंने -1 ले लिया, 2 ले लिया और -2, ठीक है? मैं यहां पर ना एक फंक्शन ड्रॉ कर देता हूं. लेट्स से x इज इक्वल्स x इज इक्वल्स टू y स्क्वायर. एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ठीक है? देखो अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूं, x की वैल्यू 1 रखता हूं, तो y का आंसर कितना आएगा? 1 है ना? अगर मैं x की वैल्यू -1 रखता हूं तो स्क्वायर रूट ऑफ -1 इमेजिनरी में चले जाएगा. किस में चले जाएगा? अरे भैया यहां -1 रखूंगा, यहां y स्क्वायर है ना, टेकिंग स्क्वायर रूट, और इमेजिनरी नंबर यहां पर नहीं चलेगा. मतलब सर -1 के लिए यहां पर कोई भी -1 का कोई इमेज नहीं है. अगर इमेज नहीं है तो वो फंक्शन नहीं है. मैंने क्या बोला? सेट ए के इसके जितने भी एलिमेंट है सबके सब लिंक होना चाहिए ना. सर -1 तो किसी से लिंक नहीं है, तो इसके लिए मैं क्या बोलूंगा? ये फंक्शन नहीं है. आगे मैं चेक भी नहीं करूंगा, आगे मैं चेक. अरे आप समझ रहे हैं कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट है सबके सब किसी ना किसी से क्या होने चाहिए? लिंक होने चाहिए. बट कंडीशन क्या है? ऐसा ना हो कि यहाँ के जो एलिमेंट है वो दो से लिंक हो जाए. टू की वैल्यू आपने बोले भैया 4 भी और 2 की वैल्यू 8 भी, नहीं ये नहीं चले. यूनिक होना चाहिए. कैसा होना चाहिए? यूनिक. हाँ यार, यूनिक का मतलब समझा बच्चे? अब इसमें ना फंक्शन क्लियर है, कोई दिक्कत? अगर सेट ए के सारे एलिमेंट किसी ना किसी से क्या है? लिंक है. दोनों इसको क्या बोलेंगे? वो फंक्शन. वो क्या बच्चे? फंक्शन. अब जरा यहां पर देखिए मैं क्या बोल रहा हूं. एक एग्जांपल लेते हैं जहां पर हम लोग टाइप ऑफ फंक्शन को समझेंगे. आप उसमें टाइप ऑफ फंक्शंस को समझ, ठीक है? टीचर कभी कभी बाहर चले जाते हैं, टाइप ऑफ फंक्शंस की बात करते हैं. आपने बुक में कुछ टाइप दिया, पहला है 1-1 फंक्शन. क्या बच्चे लोग? 1-1 मतलब 1-1, नाम से समझ, एक से एक लिंक. एग्जांपल 1-2-3 ए बी और सी, 2 से A, 1 से B, 3 से C. एक से एक रिलेटेड है?
वन वन फंक्शन, क्या है चलो वन वन फंक्शन, ठीक है। एक होता है मैनी वन, क्या होता है मैनी वन, इसके नाम में इसका आंसर है, मैनी के लिए वन। जैसे भैया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और यहां पर मैंने लिखा ए और बी, वन से ए, टू से ए, थ्री से ए, फोर से बी, फाइव से बी, सिक्स से बी, मैनी वन, मैनी वन। समझा कि नहीं है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज यूनिक इमेज इन सेट बी। अरे हाँ है ना, तो ये फंक्शन है। बट अगर मैं ऐसा करता, ध्यान से देखना, वन के लिए ए है, मैं अगर बोल दू वन के लिए बी भी, तो फिर ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि वन के लिए तो दो इमेज आ गई और ये मेरे लिए फंक्शन नहीं है। कंडीशन समझ में आ गई ना, तो ये वाली चीज रॉन्ग नहीं बनना चाहिए, समझ में आ रहा है। ये याद करने के लिए इसी बताया था कि रॉन्ग बनना ठीक है भैया, इसको रॉन्ग कर दो। ये हो गया मैनी टू वन फंक्शन, ठीक है, ठीक। आगे बढ़ता हूं, होता है बच्चों ऑन टू फंक्शन, देख मैनी वन शायद आप लोगों बुक में नहीं किया, चेक कर जो दिया है, वैसे चलो पढ़ लिए कोई मसला नहीं, वन वन दिया है और ऑन टू दिया है, देख ऑन टू क्या भैया, इसको भी देख लो, ऑन टू फंक्शंस। अगर अगर सेट बी के जितने भी एलिमेंट, मैं सेट बी बोल रहा था, क्या बोल रहा हूं, सेट बी के जितने भी एलिमेंट है उन सब की प्री इमेज है कहां पर, ए में, प्री इमेज मतलब ए में देखेंगे, मतलब बोलेंगे ये कि सेट बी के जितने भी एलिमेंट है सब ना, सब के सब किसी ना किसी से क्या है लिंक, तो ऐसे फंक्शंस को क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शंस, क्या बोलेंगे, मैं यहां तीन केस बना रहा हूं आपको उसमें पूरा डेटा क्लियर हो जाएगा, ध्यान से देखो। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, थ्री टू वन जीरो वन, जनरली कोई ऐसा केस नहीं बना पर समझाने के लिए, वन से टू, टू से थ्री, थ्री से वन, फोर से जीरो, फाइव से वन, ठीक है। ये केस वन टू थ्री फोर ए बी सी डी, ठीक है, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री, ठीक है, ध्यान से देखो, मैं चारों केस ले रहा हूं एक साथ, सबको समझ में आते हैं। और जरा यार सब कुछ एकदम अच्छे से क्लियर हो, क्या ये फंक्शन है, सर सिक्स की कोई इमेज ही नहीं है, हमने क्या बोले थे, अगर सेट ए के जितने भी एलिमेंट है सब के सब किसी ना किसी से लिंक हो तभी तो फंक्शन आएगा, फंक्शन आएगा तब आगे बढ़ेगी टाइप ऑफ फंक्शन पे। अरे हाँ है ना, आप साइंस में नहीं आएंगे तो ग्यारहवीं बारहवीं का डिस्कशन होगा क्या, सही बात है ना भैया, तो जब तक कि यहाँ के सब लिंक ही नहीं होंगे तो हम टाइप पर, तो सर ये तो फंक्शन है ही नहीं, ये तो फंक्शन क्लियर नॉट फंक्शन, ये वन वन फंक्शन भी और कैसा है, एक से एक लिंक है, तो ये कैसा हो गया one. अब यहां पर अगर सेट बी के, अगर सेट बी के जितने भी एलिमेंट है सबके सब किससे लिंक है, ए से, सबके सब लिंक है किससे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन टू फंक्शन। अब समझ में आया, अरे हाँ यार, और अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो वो क्या होगा, इन टू, क्या होगा चलो, जैसे ये वाला एग्जांपल, ये फंक्शन है सेट ए के सारे एलिमेंट लिंक है सर, यस सर इट इज द फंक्शन, बट क्या ये ऑन टू है, नहीं सर, ऑन टू के लिए तो सेट बी के भी सारे लिंक होने चाहिए, बट यहाँ पर फाइव सिक्स और सेवन तो नहीं लिंक है, तो अगर कोई फंक्शन ऑन टू नहीं है मतलब वो क्या है, सिंपल, अरे हाँ है ना भाई, वन वन एक से एक लिंक, वन वन ऑन टू में सेट बी के जितने भी एलिमेंट है सबके सब प्री इमेज होनी चाहिए, और अगर प्री इमेज नहीं है सबकी मतलब वो कौन सा फंक्शन, इफ फंक्शन इज ऑन टू देन इट इज नॉट इन टू, इफ इट इज इन टू देन इट इज नॉट ऑन टू, अरे उल्टा समझा ना, स्ट्रेट ऑन टू है तो इन टू, नहीं इन टू है तो अम्मी है तो अब्बा, अब्बा है तो अम्मी,
तो पैसा नहीं बोला गरीब लोग अच्छी बात सोचो वैसा तो बता रहा हूँ अब्बा है तो उसको अम्मी नहीं बोल सकते ना बोल हम खुद भी बोल सकते क्लियर है हाँ है ना बच्चा लोग टाइप ऑफ फंक्शन समझ में आया एग्जाम्पल में अगर क्वेश्चन दूंगा तो बता पाएंगे ठीक है एक चीज और समझो इसको ना कभी कभी ऑर्डर पेयर के फॉर्म में भी लिखता है किसके फॉर्म में ऑर्डर पेयर पीछे पढ़ाया जैसे मैं यहां पर एक एग्जांपल लिखता हूं 1 के लिए ए 2 के लिए बी 3 के लिए सी मेरा सवाल है कि क्या ये फंक्शन है अब इसको देखो ये जो है 1 2 3 ये किससे बिलोंग करते हैं सेट ए से और ए बी सी किससे बिलोंग करते हैं सेट बी से सर हर एक के लिए यूनिक इमेज है आया ना अच्छा यहाँ 1A 2A 3A लिखता तो भी ये फंक्शन तो भी ये फंक्शन ये रिपीट होगा चलेगा सेकेंड वाला रिपीट होगा पहला रिपीट जैसे मैं यहाँ लिख देता 1 के लिए डी भी तो क्या ये फंक्शन है सर 1 के लिए A हो चुका था ना हाँ 1 के लिए डी बनाएंगे तो क्रॉस हो गया ये चलेगा तो ऑर्डर पेयर के फॉर्म में भी हम लोग को क्वेश्चन दे सकते तो घबराने की बात ऑर्डर पेयर में देगा तो चेक करने का कि यहाँ वाले नंबर रिपीट तो नहीं हो रहे और जो सेट है उसके सारे नंबर आने भी चाहिए जैसे मैंने सेट ए में 4 नंबर लिखा और यहाँ पे 3 ही लिखा तो भी वो फंक्शन नहीं है ना क्योंकि चौथे वाले की तो आपने इमेज बनाई नहीं अरे मैं बोलता हूँ कि मेरे पास सेट ए जो था उसमें 1 2 3 और 4 है तो आपने 1 के लिए लिखे 2 के लिए लिखे 3 के लिखे सही बात है 4 क्या नहीं लिखे था आपने बट फंक्शन के लिए कंडीशन क्या है सबके सबकी इमेज होनी चाहिए तो 4 का भी इमेज होनी चाहिए नहीं है मतलब वो फंक्शन क्लियर इजी एक से एक लिंक है तो वन वन फंक्शन तो बच्चों कहा गया एक नाम और है इसको बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन क्या बोलते हैं इसको और ऑन टू फंक्शन को बोलते हैं सब्जेक्टिव फंक्शन क्या बोलते हैं समझ में आया हाँ या ना ये नाम याद रहेगी कंसेप्ट क्लियर है ये लिख लो तो फिर इसके बाद और टाइप्स ऑफ फंक्शंस को समझते हैं कुछ टाइप ऑफ फंक्शंस की बात ये इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आता है टाइप ऑफ फंक्शंस में बट हम लोगों को दिया है ना हम लोग एक बार देख लिया टाइप ऑफ फंक्शन में सबसे पहला फंक्शन जो आता है बच्चों वो है कांस्टेंट फंक्शन सब लोग यहाँ पर ध्यान से देखें उसको क्या होते हैं हम लोग अब इसके नाम में इसका आंसर छुपा हुआ है कांस्टेंट है मतलब इसकी वैल्यू बदलने वाली 1 के लिए a 2 के लिए a 3 के लिए a 4 के लिए a 5 के लिए a वैल्यू बदलने वाली ऐसा फंक्शन मेनी टू वन ऐसे फंक्शंस को क्या बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन मतलब सबके लिए वैल्यू क्या है फिक्स सर ऐसे फंक्शंस को हम लोग क्या बोलेंगे कांस्टेंट फंक्शन दूसरा आता है लीनियर फंक्शन क्या नाम है चलो एग्जांपल जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं y = k मतलब y कुछ भी हो रहे तो यहां पर हमेशा क्या रहेगा k लीनियर फंक्शन y = x पावर 1 1 लीनियर मतलब पावर 1 एक होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या था चलो क्वाड्रेटिक पढ़े थे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन एग्जांपल y = ax² + bx + c क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अच्छा इन सब का हम लोग बाद में सीखेंगे कि डोमेन रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं प्रॉब्लम्स है उस पर जब आएंगे तो हम लोग देखेंगे तो इसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन ऐसी एक होता है क्यूबिक फंक्शन क्या बोलते चलो क्यूबिक फंक्शन नाउ व्हाट इज क्यूबिक फंक्शन जिसमें हाईएस्ट पावर की तौर पर 3 एग्जांपल लिख देता हूं लेट्स से y = x³ है ना अच्छा मैं ग्राफ के फॉर्म में भी बताते चलता हूं काम करता y = k y = k x की कोई भी वैल्यू देखो y हमेशा कितना रहेगा k है अरे -1 के लिए भी k 0 के लिए भी k 1 के लिए भी k 2 के लिए भी अरे हाँ ना मतलब ये कैसा है y = x ये लाइन की इक्वेशन है इसकी y = mx + c याद है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 10th में पढ़े थे ना अरे ये इक्वेशन नहीं पढ़े थे y = mx + c c y इंटरसेप्ट बोलते थे m को स्लोप बोलते थे यहाँ m कितना है 1 है या m कितना है और c कितना है 0 है अब देखा y = mx + c c 0 होता मतलब लाइन कहां से पास हो रही है ओरिजिन से तो ये कुछ ऐसा दिखे
So we are linear, straight line. जरूरी नहीं ओरिजिन से ही पास हो. y is equal to x plus 2 भी हो सकता है. y is equal to x minus कुछ भी हो, बट वो लाइन इंक्लाइन हो, सीधी हो, टेढ़ी हो, बट इट ऑलवेज बी अ लाइन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर्व दिखेगा ऐसा. समझ आ रहा है? इसके चार टाइप होते हैं. y is equal to x square. फिर एक आता है y is equal to minus x square. माइनस आया तो ये मुंह नीचे की तरफ खुलेगा. ऐसे होता है x is equal to y square तो ये मुंह इधर की तरफ खुलेगा, ओरिजिन से टच करके बना देगा उसको ऐसा. और एक होगा y is equal to x is equal to minus y. समझा कि नहीं? हाँ. अरे हाँ है ना. y है तो y पे मुंह खोल लेंगे, माइनस है तो नीचे वाला, x है तो x पे मुंह खोल लेंगे, माइनस है तो इधर खोल. अभी बता रहा हूं सिर्फ एग्जाम्पल. क्लियर? क्यूबिक फंक्शन ऐसा दिखता है. क्यूबिक फंक्शन, ऐसे फंक्शंस को क्या बोलते हैं लोग? क्यूबिक फंक्शन. इस बात को याद रखो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि आपको मैथ्स का मजा कब आएगा, जब आप क्वेश्चंस को देखकर पिक्चर को इमेजिन करना सीख जाओगे. अब जब मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये रूट है, x is equal to 2 and x is equal to 3, x is equal to 2 and x is equal to 3, तो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि x is equal to 2 पर y की वैल्यू 0 है, x is equal to 3 पर y की वैल्यू 0 है. मतलब वो कुछ ऐसा दिखेगा, खाली बताने के लिए समझा रहा हूं. ये 2 और ये 3. जब 2 है तो y 0 है, जब 3 है तो y 0. अब देखो मैंने कैसे बता दिया, क्योंकि मेरे दिमाग में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है ऐसा. अरे समझ, ये x 0 है, अरे x इधर 0 होता ना बेटा. अगर ऐसा बनाता तो x की वैल्यू 0 होती ना और y होता फिर. ये y है ना? हाँ, और ये x है. इसका पॉइंट क्या लिखेंगे हम लोग? 2,0 ना. और इसके लिए क्या लिखेंगे? 3, है ना y 0. समझ रहे कि नहीं? रूट्स का मतलब यही होता है कि जहां पर y कितना हो, 0 हो. समझा ना? थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, वैसे उसकी जरूरत नहीं. क्यूबिक फंक्शन ऐसे याद है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन याद है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले भी पढ़ाया हूं, e रेस टू x वाले याद आ रहा है? अरे y is equal to e raise to x बताया था ना, सबसे स्टीपेस्ट कर्व होता है, लॉन्ग पढ़ाया था तो बताया था, सबसे ज्यादा बेंडिंग इसी के अंदर होती है. लॉगरिथमिक फंक्शंस जिसमें लॉग इन्वॉल्व, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? y is equal to log x. हम लोगों ने पढ़े कि नेगेटिव नंबर का लॉग, मतलब अगर जब भी इसके डोमेन की बात होगी तो आप नेगेटिव नंबर. लॉग ऑफ माइनस वन है क्या आपके पास? लॉग 10 है, लॉग 20 है, लॉग 1 0 होता है ना? 1 से छोटा नंबर नहीं कर सकते. याद है कि नहीं बच्चे लोग? तो बोल रहा हूँ कि हम लोग को लॉगरिथमिक फंक्शन में अगर डोमेन पूछेगा तो मेक श्योर कि वहां पर नेगेटिव होना नहीं चाहिए. तो हम लोग वो पार्ट को एक्सक्लूड कर देंगे जहां पर लॉग की वैल्यू किस में जाएगी? माइनस में. समझ आ रहा है? दीज आर दी सर्टन मोर टाइप ऑफ फंक्शंस. समझ आ रहा है? हर वो चीज जो आप तक आज तक हम लोग पढ़ते हैं, एक चीज और, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, वो तो भूल ही गया. ये तो अलग से पढ़ रहे हैं हम लोग और पढ़ेंगे, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व हो. y is equals to sin x, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ भी लिख सकते हैं, tan x, cot x, cosec x, कुछ भी लिखो. जिसमें ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व है वो क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. समझ में आ रहा है कि नहीं भैया? तो ये सब कुछ पढ़ते हैं हम लोग मैथ्स में. बोलने का मतलब ये है बच्चे लोग, बेसिकली आप जो कुछ भी पढ़ते हो या जो कुछ भी आप पढ़ते आए थे, सब के सब किस में आते हैं? फंक्शंस में. ये अलग बात है कि आज तक हम लोग उसको फंक्शंस के कंटेक्स्ट में पढ़े नहीं. क्लियर? इसको लिख लो.